भैया जी जा रहे हैं हम गांव, रंग हो गया था काला, सोचा कि थोड़ा सा ना हम भी चमक दमक जाएं। आखिर गांव जा रहे हैं, गांव दुनिया के खतरनाक तीन बार जिनको गर्मी लगी। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन। वाह क्या खूबसूरत चेहरा भाई साहब, थैंक यू सो मच, आपने गर्मी में मेरा काला चेहरा वाइट कर दिया, थैंक यू सो मच। एक स्माइल कर दे प्लीज, स्माइल कर दे। तो भैया जी कटिंग वटिंग हमने करवा लिया, हद से हमने करवा लिया, और मजाक अपनी जगह ठीक है, मेरी आदत है मजाक करना, लेकिन मैं एक बात बताने लगा हूँ कि जब भी गांव का नाम सुनता हूँ या गांव जाने का प्लान करता हूँ तो मैं इस कदर खुश होता हूँ कि वो मैं खुशी आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता ठीक है। 15 साल मैंने अपने गाँव में गुजारे हैं और मैं अपने गाँव की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, और वहाँ जाना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। और ये रात फटाफट गुजर जाए क्योंकि मेरे से मज़ीद सब्र नहीं हो रहा। तो भैया जी फाइनली मैं अपने गांव पहुंच चुका हूं, 10 बजे निकला था मीरपुर से और 3 बजे मैं यहां अपने गांव पहुंचा था, और थकावट काफ़ी हो चुकी थी क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा था, और मैं फिर आते साथ सो गया और अभी उठा हूं। आज का दिन रेस्ट करेंगे, मिलेंगे आपको कल ईद के बाद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, और दूसरा ये कि आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और अमूमन यार हर जगह यही होता है कि ईद पढ़कर हर कोई अपने अजीज़ वकार को मिलता है और दोस्तों यारों को मिलना पड़ता है ठीक है, उनको मुबारकबाद देनी पड़ती है। इसके अलावा हम अपने अजीज़ वकारब की कब्रों पर जाते हैं और उसके बाद वहाँ से वापस आकर कुछ मीठा खाते हैं, उसके बाद आ जाता है कुर्बानी का टाइम, कुर्बानी करने के बाद फिर जाकर बंदा बिल्कुल फ्री हो जाता है। फ्री क्या, कुर्बानी के बाद यार गोश्त बांटना भी तो पड़ता है ना, तकसीम भी तो करना पड़ता है, उसके बाद जाके हम लोग फ्री होते हैं ठीक है। और आप लोग मेरे ख्याल में यही सोच रहे होंगे कि अभी तक इस बंदे ने गाँव की सैर नहीं करवाई, तो हम आपको गाँव की सैर करवाते हैं, आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, इस चीज़ के लिए माजरत क्योंकि काफ़ी मसरूफ़ था, अब जाकर फ्री हुआ। तो अभी धूप है भाई, तो थोड़ी देर बाद मैं निकलूंगा, इंशाल्लाह आपको अपने गांव की सैर करवाऊंगा। उमर भाई क्या आपको कभी सच्ची मोहब्बत मिली? नहीं भाई, मुझे तो कभी झूठी मोहब्बत भी नहीं मिली। रिश्ता देखने वाले आते हैं वो कहते हैं इसे पहले डॉक्टर को चेक करो। मुझे बताओ क्या मैं इतना ही बुरा हूँ?
हर गांव में आपको इस तरह के शगुफे देखने को मिलेंगे। भाई साहब मुँह ज़रा पीछे करें थोड़ा सा, माशाल्लाह इतनी खूबसूरती कहाँ छुपा के रखी हुई थी। ओहो हमारे गांव की खूबसूरती, मैं कह रहा हूँ कि क्या ही बात है, बेमिसाल है। अगर आप इस गांव में आना चाहें तो आपको सबसे पहले यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो कैसे लगे मेरे गांव के ड्रोन शॉट भैया जी? गांव है कोई आम बात नहीं। भैया जी इस वक्त हम अपने गांव में फ़ोटोग्राफी किए हैं, हमारे साथ हमारे छोटे दोस्त जवाज, फिदा, तेरा का नाम है? दानियाल भाई। अब हमारा शूट शुरू होने लगा, आप लोग देख के बताएं कि कैसा बनता है। भैया जी आज पूरा दिन गर्मी थी और 5:30 आके हम अपने अपने घरों से बाहर निकले और फिर आकर हमने अभी शूट किया और कुछ ड्रोन शॉट लेने थे आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को अपना गांव दिखा सकूं। तो भैया जी गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हमने व्लॉग शॉर्ट सा ही बनाया, ज़्यादा नहीं बना पाए क्योंकि यहाँ पे गर्मी काफ़ी पड़ती है और बाहर नहीं निकला जाता। आज भी मौसम थोड़ा सा ठंडा था और तैयब भाई हमें बाहर लेके हैं अपनी प्यारी सी गाड़ी में। हमारे साथ फिदा, सदाम, अयास और अरहम मौजूद हैं, दो बंदे बाइक पे। तो भैया जी
हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और अभी अभी हम आपको ड्रोन शॉट दिखाते हैं। हर तरफ चावल की फसल लग चुकी है, ग्रीन ही ग्रीन देख सकते हैं। भैया जी, ये बंदा हमें लेके आया था कि बड़ी कमाल की जगह, और यहाँ पर मैंने एक मरतबा ड्रोन उड़ाया और ये देखें आप हमारा क्या हाल है, हमारा हाल देखें। कवे ही कवे, बच्चे डर से पागल, बड़ों के भी होश उड़ चुके हैं। वो कुत्ता ले आंदे सानू, वो भाई कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो भैया जी, शाम के 7:30 हो रहे हैं, ठीक है, और शूट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और ड्रोन सीन जो मैंने आपको दिखाना था वो मैंने सिर्फ एक दिखाया, क्योंकि यहाँ पे कवे बहुत ज़्यादा हैं, ये आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे ड्रोन उड़ाया ना तो ड्रोन हाथ से चला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह। एसी ऑन करो। नाइट राइडर।